तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने सुनील कृषि एंड हेल्थ चैनल में। तो आप देख पा रहे होंगे अमरूद हैं। इस प्रकार से मैं आज नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। देख लीजिए इसकी हर डाली में अमरूद आए हुए हैं और ये जून का महीना चल रहा है, तो इस प्रकार से मैं इसी की जानकारी देने वाला हूं कि इसमें अमरूद सर्दियों से ज़्यादा भी अमरूद इसमें अभी गर्मियों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अमरूद एक ऐसा पेड़ है जो सीजन में दो बार फल देने वाला है अगर इसकी सही उपयोग किया गया। तो देख लीजिए आप हर डाली में इसकी अमरूद बहुत ही क्षमता से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अमरूद ये जून का महीना चल रहा है और ये पककर जुलाई में तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस फल को अधिक से अधिक कैसे इसमें फल आए हैं मैं बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जब अप्रैल में इसमें फूल आ रही थी तो इसके एक इंची मिट्टी को हटाकर इसके नीचे एक तसला गोबर का खाद और काली मिट्टी डालती थी। इस प्रकार वह हमेशा मैं नमी को बनाए रखा। इस प्रकार नमी को बनाए रखने से इसमें इतने अमरूद लगे कि सर्दियों से ज़्यादा अमरूद आप देख पा रहे होंगे। इसके हर डाली में अमरूद लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसके नीचे इस प्रकार से एक तसला गोबर और काली मिट्टी को डाला था और हमेशा नमी को बनाए रखा। इस प्रकार से आपके पास भी अगर अमरूद का पौधा है वो आप भी चाहते हैं तो इस प्रकार से आप भी अगली साल कर सकते हैं। सीजन में दो बार अमरूद ले सकते हैं और जिनके फार्म लगे हुए हैं अमरूद के वो भी इस प्रकार से दूनी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद का पौधा ही एक ऐसा पौधा है कि सीजन में दो बार बहुत ही फल देने वाला है और जुलाई में जब पानी बरसेगा तो बहुत ही मीठे फल निकलते हैं। इस प्रकार से अमरूद बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस खाना हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पाचन क्रिया संबंधी सभी रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। अगर अफरा रहता है तो इसको खाना के बाद एक फल खा लेने से बिल्कुल पाचन क्रिया और खाना हजम हो जाता है। तो इस प्रकार से वह पुरुषार्थ में भी वृद्धि करता है, यानी वीर संबंधी शिकायतों को भी दूर करता है। वीर बढ़ाने वाला फल है यह। इस प्रकार से पुरुषों के लिए बहुत ही वरदान ये फल है। तो इस प्रकार से आप भी अमरूद का पौधा लगाएं और फल पाएं। तो इस प्रकार से इस साल आप जरूर ही अमरूद का पौधा लगाइए। इस सीजन में दो बार देता है, यानी आम के आम गुठलियों के दान, यानी कि प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है और आपको सीजन में दो बार भी फल भी मिलेंगे, यानी ऑक्सीजन भी मिलेगी आपको और फल भी दो बार मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप पौधे को जरूर लगाएं। इस प्रकार से वही अमरूद का पौधा बहुत ही फायदेमंद पौधा है और जो बागवानी करते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने बता ही दिया है कि मैंने बस उपयोग इसका बस आप नमी को बनाए रखें। इसलिए आप अगले साल अगर गर्मियों में फल अधिक से अधिक चाहते हैं तो आप बस इतना ही काम करना है कि इसके नीचे नमी को बनाए रखना है, थोड़ी सी काली मिट्टी और गोबर ही डाल देना है। आप देखेंगे कि अधिक से अधिक फल आए। तो इस प्रकार से ये मेरी जानकारी थी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक फैलाएँ ताकि हर आदमी के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो यही मेरी जानकारी थी। तो सुनील कृषि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार से इसकी हर डाली में बहुत भयानक अमरूद लगे हुए हैं। तो भाइयों नमस्कार, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कॉमेडी वीडियो को तो आप बहुत लाइक करते हैं, एक बार किसी चैनल को भी लाइक कर दीजिए। तो जय हिंद।